हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। शामी सभा के जाने आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ करें से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और अभी हम चलते नहीं थे क्योंकि सनी की जो फूफी और फूफा है वो जा रहे हैं माशाल्लाह से हज पे, तो वो लोग मिल रहे हैं झांसी से। चलिए चलते। क्या रह गया है? गर्मियों में सिर्फ लस्सी चलती है। बहुत अच्छी है, यम्मी। हमारी फूफी और फूफा जा रहे हैं हज करने। हाँ, मैंने बताया सबको माशाल्लाह। इसलिए उनके लिए वो कोई कह रहे हैं हम कुछ भी नहीं खाएंगे, तुम लस्सी तो कम से कम पी लो। फ्रूट्स खाते हैं? नहीं, लस्सी से पियेंगे लोग। निकाल दो फिर उसके बाद तुम लेके आओ, ठीक है? अभी फूफी तो है, वो साइड में गई है मेरे। हाँ तो पप्पा लोग को तो पिला दो। ये मत दिखाओ मेरे पुराने साथी। कभी कभी गलती हो जाती है। हमें सिखा रहे थे कैसे निकालना, ये गिरा दिए। दुआ करना है। फूफी आई थी तो फूफी बस जा रही है, उसके बाद हम लोग फ्रूट्स लेने के लिए आ गए मार्केट। आपके शर्ट में पेंट लगा है। फ्रंट ट्रैफिक जाम। सब्जी और फ्रूट्स लेके आ चुके हैं। चलो सोचू वेज पुलाव या बिरयानी बनाती हूँ। गाजर निकाल रही हूँ, देखो कैसी गाजर निकली है, जैसे किसी के दो पैर है। ऊपर काम हो गया? हाँ हो गया, कल इंशाल्लाह पूरा फाइनल हो जाएगा। देखो पैर है दो। एक पैर बेचारी का कमजोर है। मैंने देख लिया सारी रेसिपी। हाँ। अब मैं बना लूंगी, बस आपको क्या करके देना है, सोयाबीन की बनी मंगा दो और मटर। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे बाजार है, आज इनका और सब चादर आएगा तो हम यहाँ से देख लेते हैं और दुआ भी कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। कितने हैं? हाँ बहुत है। बासमती होते पता है? ये बासमती तुम्हें कौन से है? ये तो नॉर्मल चावल। हाँ। बिरयानी वाले चावल है ये? हाँ, बासमती नहीं। यही बना ले। यही बनाओ और क्या? टेस्ट से मतलब है, चावल से क्या मतलब है? वो खुशबू आती है ना। रुखसाना बहुत दिन के बाद आ रही है, कुछ बोल भी नहीं रही। बहुत दिनों बाद आदत हो जाती है। हाय, सबसे अस्सलाम वालेकुम। रुखसाना काम सही है, बेचारी बहुत मेहनत करती है रुखसाना। चटनी तो बन गई। बन गई ये तो भैया हमारी फेवरेट चटनी है ये वाली, प्याज की चटनी। प्याज की? हाँ, पूरा तरीके से उबल चुका है यहाँ। अगर दूध उबल गया तो पड़ेगा नहीं, पूरा गैस ना खराब हो जाएगा। भाई देखो मेहनत तो अच्छी आ रही है मुझे, अब आगे मुझे पता नहीं तुम कैसी बनाने वाली बिरयानी। ये देखो इसकी कैसी हालत हो रही है, अभी किचन से आई है और इसको जब वीडियो बनाना होता है ना तो पंखा बंद कर देती है, तो उसके साथ साथ हम लोग भी गर्मी पूरे पसीने में नहा लेते हैं और फिर खोलते हैं। जैसे क्लिप होगा एंड फिर जाके पंखा खोलो, जैसे क्लिप होगा शुरू पंखा बंद करो। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा है, किसी किसी को कोई चीज वो इरिटेट करती है तो किसी को भी अगर पीछे पंखे की आवाज आ रही होती है या कुछ इरिटेट नहीं करती उसको। मैं बता रहा हूँ वजह क्या है, इसको चाहिए हर चीज बिल्कुल परफेक्ट, मतलब अगर वीडियो बन रहा है तो कहीं से साउंड नहीं हो, पंखा की आवाज़ नहीं हो, मतलब पूरे घर वाले बिल्कुल मुंह में ताला लगा लो, मतलब आप सोच सकते हो। मुझे लगता है अगर कोई देख रहा है तो उसको ऐसे पीछे से उलझन ना हो, कोई देखे तो उसे सुकून लगे देख के, जैसे हम लोग कभी सुकून के लिए देखते हैं। हाँ तो खैर कोई बात नहीं, अभी बहुत सारा तुम्हारा तुम काम करके थोड़ा कम बोलो, तुम्हारी एनर्जी बहुत सारी वेस्ट हो गई है। बिरयानी दम पे लगा दी है फ्रेंड्स, 8:30 बज गए इस वक्त रात के। आज जाना था मुझे अम्मा से मिलने, 3 दिन हो गए यहाँ आई, उनसे नहीं मिली थी तो आज बेटी खाल अम्मा के यहाँ ठहरी हुई है, तो सोच रही थी कि जाके मिलूंगी। अब देखो अगर टाइम रहेगा तो 5-10 मिनट मिलने चली जाऊंगी, क्योंकि अभी खाना नहीं खाया और सीढ़ी चढ़ के आई हूँ इसलिए ऐसे हो रहा है, तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और आज मैंने ये वाला आउटफिट पहना था, ये हमने मुंबई से लिया था, ये चिकनकारी वाला। 5-10 मिनट रेस्ट करिए, अब चलते हैं नीचे और उसे मिला के देखते हैं और फिर देते हैं सबको खाने के लिए। अच्छा पुलाव है बेबी? पुलाव नहीं, बिरयानी है। आप मतलब बिरयानी है, जो भी है बहुत अच्छा है। आज बेहतरीन एक नंबर वाला काम था तुम्हारा, आज अच्छा बनाया, तो उम्मीद से अच्छा बना दिया। पुलाव नहीं है वो, वेज बिरयानी है। हाँ वेज बिरयानी है, पुलाव है, जो भी है मतलब। हाँ, मजा मुझे भी अच्छा लगा। एक फ्रेंड मतलब मुझे कुछ चावल का बनाना था, मैंने कहा तायरी हम बहुत खा चुके हैं, अच्छी लगती है लेकिन बहुत खा चुके हैं, और उसके बाद क्या पुलाव मटर पुलाव वो भी खा चुके, कुछ चावल का ऐसा बना जो चेंज लगे तो फिर अच्छा लगा कुल मिला के। आम भी बहुत। अब इसके बाद तुम पियोगे ये? ये अब सुबह पियेंगे। नहीं, इसको बोतल में डाल के रख लो, इसी का पानी पीती रहो, बस बात करो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो चलो अभी चलते हैं ऊपर, वॉक करते हैं। इसके ये सब तो रख दे। हाँ, ये इतने चावल हमने लगाए क्योंकि खराब हो जाएगा वो फ्रिज में ना। और सच में ये सोयाबीन की जो बड़ी है ना, उन्होंने एकदम चिकन वाला फील दे दिया। जिसको चिकन नहीं खाना है तो ये खा लो, अच्छा है, मतलब चेंज के लिए अच्छा है। वेज बिरयानी नहीं, नहीं पुलाव। आ गए ऊपर, अब एकदम फुर्सत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, अब थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं। वैसे आज मैंने अम्मा के साथ भी की थी नीचे, जब लाइट गई थी ना
तो बाहर सड़क पे चल लिया था, लेकिन अभी खाना खाया तो डायरेक्ट नहीं लेटेंगे, पहले वॉक करेंगे। फिर सो गए थे फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है। फिर हम लोग अभी छत में ऊपर देखने आए थे कि क्या काम चल रहा है। हम अभी आई है, सनी भी है। फिर एक बार पूरा कम्प्लीट हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। माजा का सही यूटिलाइज तुम ही कर रही हो, जो भी गेस्ट आ रहा है सारे इस टाइम से माजा बुला रही है। दे माजा, दे माजा, दे माजा। तो अभी सनी के फ्रेंड आए हुए थे मेरी तबीयत पूछने के लिए। मेहमान बना दिया जाओ सनी के लिए। मेहमान अपने मेहमान अपने नहीं, 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 नहीं। क्या कर रही हो? मैं तुम्हें आम के लिए बोल रहा हूं, तुम आम काट रही हो? फिर लंच टाइम हो गया था तो फिर सनी के लिए मैं आम काटने के लिए आई थी। उसको अभी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस वक्त ये बड़े वाले आम। और लंच में सारी चीज़ें थी, करेले थे और गवार की जो सब्ज़ी होती है ना वो थी, दाल थी वो सब। उसके बाद फिर मैंने नहा के पारा पड़ा। लाइसेंस आने की खुशी में क्या खिलाओगे? जूस पिलाऊंगा। तो रोज पिलाते हो तो मुझे तो ना पार्टी लाइसेंस आने की खुशी में। गाड़ी तुम्हारी चलाता हूँ ना मैं। आपकी है फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं जूस पीने और झाड़ू खरीद। बहुत खट्टा है। फिर मैं आ गई थी झाड़ू की शॉप पे। हमें ऐसे वाले दो झाड़ू चाहिए थे और एक ही जो फूल वाला झाड़ू होता है, आपके यहाँ पे पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मौदा में बोलते हैं फूल झाड़ू। तो हमने झाड़ू ले लिए हैं और अभी चलते हैं घर। तो अभी आ चुके हैं घर और असर का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो भी करेंगे वो आपको बताएंगे। फ्रेंड्स वैसे नमाज पढ़ के सलाम कह रही थी, पीछे मैंने देखा कोई खड़ा है, देखा तो ये थी। आज बेटी खा गई है कानपुर, तो फिर ये आज अपने घर पर रुकी हुई है, तो फिर यहाँ से यहाँ पे आ गई, कुछ काम से आए थे फिर मिलने भी आ गई। अम्मा ठीक है? हाँ। क्या कर रही थी? अम्मा सो रही थी। हाँ ये वाला हुई मीठा की लगवा लाया है अम्मा। ये बड़ी टाकी लगाई है। हाँ सही है। सवा सात हो रहा है फ्रेंड्स, पप्पी आ गई थी बीच में, उनके साथ बैठ गए थे, अभी वो चली गई हैं। अब सोच रहे हैं कुछ खाने का मन हो रहा है, देखते क्या खाते हैं। रुखसारा भाजी तरबूज काट रही है और रुखसारा भाजी ने आज चिकन भी बनाया है। अभी अभी जैसे उसमें ग्रेवी की है, चिकन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बना के देखूं आज मेरा चिकन कैसे पसंद। अच्छा, आपका सारा खाना बहुत अच्छा बनता है, दिल से बनाते हो ना। फ्रेंड्स हम लोग आज यहाँ पे गली में वॉक कर रहे हैं। आज मैंने सोचा मैं एक घंटा वॉक करूँगी, तो ये भी मेरे साथ है कंपनी के लिए। तो बीच बीच में खड़ा करा देती हूँ, एक राउंड जल्दी जल्दी से लेके आती हूँ, वरना ये तो बेचारी गायब हो जाएगी मेरे चक्कर में। एक घंटा तो नहीं, बस आधे घंटे टहल पाए, क्योंकि फ्रेंड्स बैक में पेन होने लगा चल चल के और इसके पैरों पे। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अलहमदुल्ला ठीक हूँ, सबा भी अभी अलहमदुल्ला ठीक है। और आप लोग देख रहे हो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी नहीं आ रही थी, अभी एक घंटे के बाद लाइट आई है और बहुत ज़्यादा गर्मी है मौदा में। और सब लोग नीचे पता नहीं कुछ खाना वाना बना रही है। चलते हैं दिखाते हैं, क्योंकि देखिए घर में भी बहुत सारा काम हो रहा है और सब पूरा घर में ऐसे फैला पड़ा हुआ है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए सब, यहाँ पे पूरी लाइट की फिटिंग चल रही है, ये सब ऐसे काम पड़ा हुआ है। ये सामने पेंटर भैया हैं, ये सब पेंट ड्राइंग कर रहे हैं। आज रक्षाना भाजी ने यही सब्जी बन गई। हाँ सही है, ऐसे तो घूमता है आटा। क्या होता है ऐसे अम्मी लोग करते, इससे कुछ तो सब कौन से अपनों का कैसे दबा के हवा अंदर जाने के लिए होता है। ये हमारी अम्मा बना रही है दाल वाला कोफ्ता है लौकी। फ्रेंड्स मैं रोटी बनाने के लिए किचन में आ रही थी, तो आटा गूंथ के मैं रख गई थी। वहाँ पे भी क्या करती थी, जब मुंबई में बनाती थी तो अम्मी या रिजा ना ऐसे रख देते थे, फिर मैं बनाती थी। और जब मैं किचन में आई तो अम्मा बिना कहे ये सब जमा के चली गई, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लग रहा है अम्मी ने तुम्हारा वीडियो देख लिया। नहीं उन्होंने मतलब वो भी माया तो उन्हें भी सेम फील हुआ कि सब रख दो, और बिना बोले रख के चली गई। पहले वो नहीं बनाने दे रही थी, लेकिन उन्होंने जिद करके कहा कि हम बनाएंगे। तो जब ये रखा मिला तो ऐसा लगा रही, तो मैं दिल में सोच रही थी रो गया। लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है गर्मियों में खाना बनाना कितना मुश्किल होता है। सारी जो लेडीज बनाती है ना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा आटा गूंदा है कि वो बिल्कुल एकदम मलाई की तरह लग रहा है। आटा ही लग रहा है, मलाई तो नहीं लग रहा है मुझे। चेहरे में ग्लो आ रहा है, पसीना निकल रहा है। बन गई रोटी? हाँ
फिर उसके बाद खरबूजा, मुझे इस वक्त अभी सबसे अच्छा ये फ्रूट लग रहा है, खरबूजा काटा। तो फ्रेंड्स अभी सारे काम से फ्री हो चुके हैं, फ्रेश हो गए हैं और अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, लेकिन पहले लंच कर लेते हैं। पहले से तो तुम करोगी, मैं नहीं करूंगा लंच। हां तो लंच करके फिर निकलते हैं। हम जा रहे हैं हमीरपुर। ये ऑफर के हमने स्टेशन वाइट करवा दें। आप नहीं इतने अच्छे नहीं हो। क्यों नहीं है, मैं इतना अच्छा हूं। मुझे लेट हो रहा है। आओ खा, अभी खा लो। चलो भाई, तुमने मुझे खाना खिला दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी आओ, तुम भी लेट करवाया तुमने। क्यों? हाँ और क्या, नहीं करा है, नहीं करा है, मजाक कर रहा हूँ। जल्दी मम्मी आ, जल्दी से आ जा। आज शादाब बैठेगा पीछे, गाड़ी चलाऊंगा मैं। अच्छा, पापा आगे? पापा आगे तो कोई आगे बैठने के लिए लग रहा है, वो कर रहा है। नहीं देखिए, उस टाइम सारे खेत कितने हरे भरे थे, अब सारी जो फसल है ना वो कट चुकी है। और ये देखिए बकरियाँ और जो भैंस और गाय है ना, वो दिन भर यहाँ पे चरने के लिए आती हैं खेत में, मतलब उनके स्कूल जैसा होता है, वो लोग दिन भर आते हैं फिर अपने घर चले जाते हैं। और बस यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा व्यू आ रहा था। और अभी हम इस वक्त हमीरपुर पहुँच चुके हैं। कैसा है हमीरपुर? अच्छा है, अच्छा है, ग्रेप्स अच्छे हैं। हम लोग हमीरपुर पहुंच चुके हैं। हमीरपुर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है और हरा भरा लग रहा है। तो हमने फ्रूट्स ले लिए हैं कहीं, और जूस पी रहे हैं मौसमी का। हम उनके घर पहुंच चुके थे और सबको पता है कि मैं समोसा बहुत खाती हूँ, तो उन्होंने समोसा भी रखा था। और काफ़ी अच्छा लगा उन सबसे मिलके। और वहाँ पे जो नेबर्स थे वो सब भी मिलने आए हुए थे, बहुत ही प्यारे से लोग थे, तो काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिलके। 6:30 बज चुका है फ्रेंड्स, घर वापस आ चुके हैं। जितने भी लोग हमें वहाँ पे फैमिलीज मिली, सबको दिल से प्यार। और पेंट की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे हमें दीवार में कोई डिज़ाइन बनवानी है, इसके लिए सब कटिंग हो रही है। लैम्प लगेगा, लैम्प चलो नीचे मिलने आए, बात कर लो तुमसे। कौन? भोपाल से कोई लोग आए हैं। हाय, चलो अब आप देखना, अपना नाम भी बता दो। बताओ हम कैसे बोलते हैं, आप भी बोलो। मेरा नाम नौफल है, मैं सेकंड क्लास में। ये ना बात, माशाल्लाह। मैं फर्स्ट क्लास में, मेरा नाम मायरा है। सारे लोग भोपाल से आए हैं तो मुझे और ज्यादा खुशी, सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन एक भोपाल से कनेक्शन है तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हारे को ज्यादा कनेक्शन है भोपाल से, अच्छी खुशी होती है कि अल्लाह एक बार बुलाना, सबा को, शानू भाई को, अम्मी को, सबको घर में बुलाना इंशाल्लाह। हम लोग दावत करना, सब कहते हैं मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, बिरयानी को ज्यादा ही अच्छी बनाती हूँ। बिरयानी इंशाल्लाह जरूर आएंगे। बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत अच्छा लगा, इतनी दिल में खुशी हो रही है। जाओ जी आगे जाओ, ये आदम है, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आदम, मैं मकान, आई स्टडी इन क्लास 6A। थैंक यू। ओह वाओ, ये कैफ है, बड़ी बेटियां हैं, ये भांजे हैं, इनकी भी शादी हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, उनसे मिल लिया था, बहुत ही प्यारी सी फैमिली आई थी भोपाल से, वो चली गई है। तो अभी हम वो मोधा में उनका कनेक्शन है, मोधा से आसपास वो आए थे, तो बहुत अच्छा लगा मिलके। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बेटी खाला को देखने, कल वो कानपुर से अपने पैर दिखा के आई तो थोड़ी तकलीफ है, तो हमने कहा चलो मिल लेते हैं उनसे भी। तो उनके लिए हम ले रहे हैं फ्रूट्स। घर पहुँचो, घर पहुँचो घर अपने। हम ये कह रहे थे कि ये तो सब उल्टा पुलटा हो गया, हम लोग बेटी खाला क्या जा रहे हैं, बेटी खाला हमें 4 बार कॉल कर रही है। हमने कहा हम फोन नहीं उठाते, पहुंच तो रहे, सरप्राइज दे देंगे। फिर सनी के में कॉल करा और पता है कि वो हमारे घर पहुंच गई है, वो उधर इंजेक्शन लगवाने आई थी तो वहीं आ गई सरप्राइज देने। आ जाती तो अच्छा लगता, लेकिन चलो अब वो ऑटो करके अपने घर पहुंच रही है और हम भी उसके घर पहुंच रहे हैं। आपसे पहुंच के मिलते हैं। मैं घर जाऊंगा, पहले खाना खाऊंगा फिर जाऊंगा दोस्तों के पास। मेरे से पहले खाना, थोड़ा आधी रोटी खा लूंगा। पूरी खा लेना, इतने अच्छे मत बनो, कुछ ज्यादा ही नहीं अच्छा बन रहा है। आधी रोटी खा लूंगा, पूरी एक खा लो। देखो बगैर बताओ मैं तुम्हारे घर गई सरप्राइज दूंगी। हाँ तो वहाँ नहीं मिली बाबू भैया, बैठे तो करा भी तो गई। मैं
महर कैसी हो? ठीक है। मम्मी को पेटी कल हमें सरप्राइज दे रही थी, हम लोग यहाँ आ गए। आज मैं तुम्हारे घर आ रही थी। कैसी अब पैसे है? अभी आज किस्मत होती है, तुम फ्रूट्स लेने जाने वाली थी। हाँ। हमने पहले ही ले लिए। अच्छा। कह रही है पहले वहाँ आती। हाँ। मैं फ्रूट्स लेके आती घर। हाँ। आज वहाँ से तुम्हारे वहाँ होते हुए आराम से लेके आ जाएंगे। तुमने कहा जल्दी आ जाओ और हम पहले ही ले रहे थे। अच्छा, मायके में आते साथ आराम एडिट करूंगी। चलो बढ़िया, जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं, बाय बाय। सारे काम हो चुके हैं, व्लॉग भी एडिट हो गया है। अब देखती हूँ अभी डालू या सुबह डालूंगी। और अभी हम करने लगे हैं डिनर। तो सनी को अब रोज खाने में डिनर चाहिए। सनी को अब रोज डिनर में या लंच में आम चाहिए, मतलब जब तक आम आते हैं तो आम खाना ही है। और उसे ना आम को अपने तरीके से काटने की आदत है, एकदम प्रोफेशनल जैसे। सो फ्रेंड्स, ये व्लॉग एंड हमेशा की तरह नहीं लिया था, तो अभी एंड भी करते हैं। और आप सबसे एक बात भी पूछनी थी, क्योंकि हमने आपसे पूछा था कि हम हनीमून पे, मैं ऐसे करके बोल रही हूँ ऐसे कुछ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं आप बता दीजिए। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपसे पूछा था ना कि हमें हनीमून में कहाँ जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो उस चीज के लिए, तो हमें भी थोड़ा और एक्साइटमेंट। और हम भी है। हाँ, मतलब हम तो है, लेकिन हमें और ज्यादा हो गया था तब से। तो उसमें मतलब ज्यादातर कमेंट कश्मीर, शिमला और कुछ कमेंट केरला, मतलब सबने अपना अपना ओपिनियन मतलब दिया। मोस्टली सबने ये कहा कि आप इस टाइम पे अगर मौसम को मद्देनजर रखते हैं तो फिर आपको पहाड़ी इलाके में जाना चाहिए, ज्यादा बेटर है। केरला भी अच्छा है, हमने जाना था क्योंकि सनी का एक फ्रेंड रहता है वहाँ पे, तो उनके हम वहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन इस टाइम हम सोच रहे हैं कि हम शिमला या कश्मीर में थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं। वैसे हर हमारे सब्सक्राइबर्स जो है वो हर सिटी के, हर कंट्री के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अपनी जगह सोचते आए। तो हम इंशाल्लाह जरूर हर जगह आएंगे, पहले शुरुआत तो कर ले थोड़ी सी। पहली बार देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस होता है दोनों बस अकेले। हमारा बस है तो हम सबको ही ले चले, लेकिन हर कोई हमेशा साथ में नहीं जाता। अम्मा पापा भी नहीं जाएंगे, अम्मी तो हमारी जाती ही नहीं है, पापा बेचारे मजबूर है नहीं जा सकते। खैर इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। तो अभी मुद्दे पे ये आते हैं कि कश्मीर या शिमला। हाँ, कश्मीर या शिमला इस पे है, क्योंकि इसके बहुत सारे मेल्स आए, हर जगह के लोगों ने अपनी अपनी चीजें बताई। और ये भी बताया कि यहाँ ये अच्छा है, अब हम आपको गाइड भी कर देंगे। तो आप ये बताओ, इसमें चिट वाला सिस्टम कर ले या जो यूट्यूब पे पोल होता है। हाँ, वो कर ले। तो आप लोग जल्दी से बताना, वीडियो एंड करते हैं, थोड़ा लेट डाल रहे हैं, तो अभी इसीलिए इसको एडिट करके डालना भी है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमें बहुत सारा प्यार देते हैं आप लोग, और हम भी आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। और क्या करना था, और अपना ख्याल रखिए। हाँ, और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। और क्या कहना था, जो भी आया था वो नेक्स्ट व्लॉग में कह दूंगी। अल्लाह पक्का नहीं कहना। हाँ, पक्का अल्लाह हाफिज।